जावा। जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल पेजेस के साथ वर्क करती है और डेवलपर्स द्वारा इसका यूज इंटरनेट के फंक्शंस ऐड करने में और डायनामिक पेज क्रिएट करने में किया जाता है। आइए देखते हैं एचटीएमएल पेजेस में जावास्क्रिप्ट कोड कैसे डिफाइन किए जाते हैं। जावा विद एचटीएमएल। आइए अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से जावास्क्रिप्ट का प्रयोग एचटीएमएल में कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले नोटपैड ओपन करते हैं और इसमें हम कोडिंग देते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एचटीएमएल टैग देते हैं, उसके बाद हम हेड टैग देते हैं और उसके बाद टाइटल टैग देकर बाद में उसे क्लोज कर देते हैं। बॉडी में हम बैकग्राउंड कलर देते हैं व्हाइट और टेक्स्ट कलर देते हैं ब्लैक। अब हम हेडिंग देते हैं और उसके बाद हम स्क्रिप्ट लैंग्वेज देते हैं जावा स्क्रिप्ट। इसी के अंदर हम एक नोट डालते हैं वेलकम टू स्मार्ट वैली। अब हम स्क्रिप्ट को क्लोज कर देते हैं, उसके बाद हम बॉडी टैग को भी क्लोज कर देते हैं और एंड में हम एचटीएमएल टैग को भी क्लोज कर देते हैं। अब हम इसे फाइल मेन्यू में जाकर सेव कर देते हैं और जो भी हम डायरेक्टरी लोकेशन इसे देना चाहते हैं वो दे देते हैं। हम इसे डेस्कटॉप पर सेव करते हैं। अब हम अपनी फाइल का आउटपुट देखने के लिए फाइल पर डबल क्लिक करके उसे ओपन करते हैं। तो ये वेब ब्राउजर में ओपन हो जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोई भी टेक्स्ट मैसेज या कंटेंट यहाँ आपने लिख दिया है। जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन। अब मैं आपको जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन के बारे में बताऊंगी। जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन एक प्रोसेस है जो कि ये चेक करने के लिए यूज की जाती है कि यूजर द्वारा फिल फॉर्म सर्वर पर भेजने से पहले सही है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए अगर फॉर्म में यूजर को अपना ईमेल एड्रेस फिल करने के लिए कोई बॉक्स है तो आप अपने फॉर्म हैंडलर से चाह सकते हैं कि वो चेक करे इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। तो आइए देखते हैं कैसे वैलिडेशन। तो आइए अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम वैलिडेशन फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले नोटपैड में कोडिंग टाइप करते हैं। तो हमने टाइटल दिया है इसको वैलिडेशन और स्क्रिप्ट टाइप दिया है जावास्क्रिप्ट और इसी के साथ हमने इसमें इफ कंडीशन लगाई है। उसके बाद कंडीशन क्लोज करेंगे। इसमें हम वैलिडेट कर सकते हैं कि अगर नेम का बॉक्स फिल ना हो तो मैसेज आएगा प्लीज फिल योर नेम और यूजर इसके बिना इसे सबमिट नहीं कर सकता। तो इस तरह इसमें हम वैलिडिटी लगा देते हैं और नीचे हम यहाँ देते हैं फॉर्म नेम। उसके बाद हम इसमें एक सबमिट बटन बनाते हैं। उसके बाद हम एक हेडिंग देते हैं प्लीज एंटर योर नेम। उसके बाद हम टेक्स्ट को इनपुट टाइप बना देते हैं। उसके बाद हम इसमें सबमिट बटन बनाते हैं और उसके बाद हम फॉर्म को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम बॉडी टैग को क्लोज कर देते हैं और एंड पे हम HTML टैग को भी क्लोज कर देते हैं। अब हम इसे फाइल मेन्यू में जाकर उसे सेव कर देते हैं और इसे कोई भी लोकेशन आप दे सकते हैं और फाइल नेम हम इसे दे देते हैं वैलिडेशन और अब इसे हम सेव कर देते हैं। तो आइए अब हम इसका आउटपुट वेब ब्राउजर में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हेडिंग है प्लीज एंटर योर नेम। उसके बाद एक बॉक्स है जहाँ पर आप अपना नाम टाइप कर सकते हैं और उसके बाद एक बटन दिया गया है सेंड डिटेल्स। तो इस प्रकार आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू वैलिडेशन का प्रयोग कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स एक तरह के सिंबल होते हैं जो कंप्यूटर को किसी भी डेटा या वेरिएबल पर मैथमेटिकली या लॉजिकली कंडीशन अप्लाई करने के लिए बताते हैं। अलर्ट बॉक्स। अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से जावास्क्रिप्ट में अलर्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पर जाते हैं और यहाँ से हम नोटपैड ओपन करते हैं। नोटपैड ओपन होने के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखाई देता है। इसमें हम स्क्रिप्टिंग करेंगे अलर्ट बॉक्स के लिए। अब हम इसमें सबसे पहले जो टैग लगाते हैं वो है HTML टैग और फिर हेड टैग। अब हेड टैग के अंदर ही हम कोडिंग करेंगे और हेड टैग के अंदर ही हम स्क्रिप्टिंग का यूज करेंगे।
अब हमने हेड टैग के अंदर स्क्रिप्टिंग टाइप कर दी है। जावास्क्रिप्ट जो कि हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, अब हम इसमें फंक्शन लगाते हैं अलर्ट बॉक्स के लिए, और इस फंक्शन के द्वारा ही हम अलर्ट बॉक्स लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ एक मैसेज भी टाइप कर दिया है जो है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्क्रिप्टिंग। तो इस तरह से हमने एक अलर्ट बॉक्स बनाया। तो इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो इसके बाद हम स्क्रिप्टिंग भी क्लोज कर देते हैं और हेड टैग भी क्लोज कर देते हैं। हेड टैग क्लोज करने के बाद अब हम इसमें बॉडी टैग लगाते हैं। तो यहाँ से हम बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं। बॉडी टैग के अंदर हम इनपुट टाइप कर देते हैं बटन, और ऑन क्लिक पे हम अलर्ट बॉक्स यहाँ पर दे देते हैं जिसकी वैल्यू हम डिस्प्ले कराते हैं। इस तरह से हम इसे इस फॉर्म के अंदर देते हैं और इस तरह से हम फॉर्म क्लोज कर देते हैं। अब फॉर्म टैग क्लोज करने के बाद हम बॉडी टैग और HTML टैग भी क्लोज कर देते हैं। तो अब हमारा प्रोग्राम रन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके बाद हम ऊपर फाइल मेन्यू में जाके फाइल को सेव करते हैं। अब हम अपनी फाइल को जिस भी लोकेशन पर चाहें उस पर सेव कर देते हैं। सपोज मैं इसे नाम दे देती हूँ java.html। अब हम इसे सेव कर देते हैं। तो अब हम इसे सेव करने के बाद उस फाइल पर जाते हैं और उस फाइल पर डबल क्लिक करके उसे वेब ब्राउजर पे ओपन कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि वेब ब्राउजर ओपन हो गया है। वेब ब्राउजर ओपन होते ही आप देख सकते हैं यहाँ एक डिस्प्ले का बटन बन चुका है जिस पर क्लिक करते ही आपके सामने अलर्ट बॉक्स आएगा और उसमें मैसेज होगा वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ स्क्रिप्टिंग, और साथ ही में आप देख सकते हैं ओके का बटन। तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में अलर्ट बॉक्स ओपन कर सकते हैं जो कि यूजर के लिए काफी फायदेमंद होता है।